20 नंबर चैप्टर में दिया है, पहली है, इसमें पहली के बारे में पढ़ने हैं हमें, ठीक है। एक नंबर में दिया है, आग लगे मेरे ही बल से हर इंसान के आती काम, दिन में पौधे मुझे बनाते, अब बतलाओ मेरा नाम। कि इसका मतलब क्या होता है, जो कहना है कि आग मेरे ही बल से लगता है और मैं हर इंसान के काम आती हूँ और दिन में पौधे भी मुझे ही बनाते हैं, अब बतलाओ मेरा नाम, कि मेरा नाम क्या है। ऐसा कौन सी चीज़ है, ऐसा ऑक्सीजन को माना गया है, ठीक है, ऐसा ऑक्सीजन है। दो नंबर में क्वेश्चन है कि एक फूल काले रंग का सबके सिर सहाय, तेज धूप में खिला रहे छाया देख मुरझाए। काले रंग का जो फूल इसमें बताया गया है वो सबके सिर के ऊपर रहते हैं, वह तेज में खिला रहता है और जब छाया होता है यानी धूप जब छाया हो जाता है तो वह मुरझा जाता है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब जो है वो इसमें छतरी बताया गया है कि छतरी जो है वह एक फूल के आकार का है और वह काला होता है, काले रंग का होता है और सबके सिर के ऊपर आता है, तेज धूप में वह खिल जाता है और छाया देकर वह मुरझा जाता है, ठीक है। तीन नंबर क्वेश्चन है, तीन नंबर पंक्ति में दिया गया है पहले में कि एक सिंह की ऐसी गाय, जितना दो उतना ही खाए, खाते खाते गाना गाए, पेट नहीं उसका भर पाए। इसका मतलब बताएं, एक सिंह की ऐसी गाय जितना दो उतना ही खाए, जो उसको जितना भी दिया जाता है उतना भी वह उसका भोजन बन जाता है और खाते खाते गाना गाए, पेट नहीं उसका भर पाए। तो इसके बारे में इस चैप्टर में बताया गया है, जो है इसका आंसर चक्की, ठीक है। फिर चार नंबर क्वेश्चन दिया गया है, एक पहेली मैं कहूँ तू सुन ले मेरे पूत, बिन पैर वह उड़ गई बांध गले में सूत। एक पहेली मैं कहूँ तू सुन ले मेरे पूत, बिन पैरों वह उड़ गई बांध गले में सूत। तो इसके बारे में बताना है कि यह कौन सी चीज़ें हैं कि वह गले में बांध कर सूत जो है वह गले में सूत बांध कर वह उड़ गई, तो वह क्या है, इसके बारे में पतंग के बारे में बताया गया है कि वह पतंग है। पाँच नंबर क्वेश्चन दिया है, नदी हूँ पर पानी नहीं, सड़क हूँ पर गाड़ी नहीं, भूमि हूँ पर फसल नहीं, बस्ती हूँ पर घर नहीं। नदी हूँ पर पानी नहीं, सड़क हूँ पर गाड़ी नहीं, भूमि हूँ पर फसल भी नहीं, और बस्ती या गांव भी हूँ पर घर नहीं। इसका मतलब क्या है कि हर चीज़ वस्तु होते हुए भी वह दूसरा जो है वह नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, इसमें मानचित्र के बारे में बताया गया है कि इसका मतलब है मानचित्र। छः नंबर दिया गया है कि ऐसे लिखिए शब्द बनाए, फल फूल मिठाई बन जाए। कोई ऐसा हमें शब्द बनाना है जिसे फूल फल और मिठाई तीनों बन जाए। तो फूल फल मिठाई जो बन जाए वह शब्द क्या है, तो गुलाब जामुन इसमें दिया है, यहाँ पे गुलाब जामुन। देखिए जैसे गुलाब जामुन, गुलाब हो गया वह एक फूल का नाम हो गया और जामुन हो गया वह एक फल का नाम हो गया और गुलाब जामुन जो हो गया तीनों को मिलाकर वह एक मिठाई का नाम हो गया, ठीक है। इसमें देखिए सात नंबर में दिया है कि ऊँट की बैठक हिरण की चाल, वह कौन सा जानवर जिसके दुम न बाल। ऊँट की बैठक, जिस प्रकार ऊँट बैठते हैं और उसके ऊपर के जो कुबड़ रीढ़ जो निकलते हैं उसी को कहा गया है, और हिरण की चाल होते हैं यानी बहुत ही तेज तेज चाल, वह कौन सा जानवर जिसके दुम न बाल, जिसके न दुम होते हैं यानी कोच होते हैं और न ही बाल होते हैं। तो ऐसे मेंढक को इसमें बताया गया है, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा चैप्टर समाप्त हो गया।